तो इस चुनाव में मोदी जी 150 के नीचे चले गए। पहले तक कि ना बोला जा अपने दम पर, अब क्या कर सकते हैं 240 में, इसलिए उसको सर से लगा लिया। संविधान पे संकट था और देश की जनता ने इनको इस लायक नहीं छोड़ा कि अपना पैर पे खड़ा हो सके। 272 ना मिलल, 272 हो गए लेट, तो हो गए लेट कि कम से कम अपन सरकार बना लो। तू बैसाखी पे रहो, एगो बैसाखी ना, तू तीन गो बैसाखी। अब बैसाखी की सरकार है, दोनों की मानसिकता आपको पता है, दोनों कोई तुझपुजिया नेता नहीं है, नौछिटिया नेता नहीं है, दोनों इनसे ज्यादा परिपक्व है। एक से अभी शनिचर लोग होना ना, अब मान जे देवता शनिचर देवता ना माने तो बटूरी शनिचर से भेंट हो गई भाई। तो जनता ने अपना काम कर दिया है, धीरे 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 अब रोज इस सरकार को ये अपने पाप में अपने ही जल जाएगी। अब वही मंत्रिपरिषद बटाइल बा, शपथ लियाइल बा, अब देखिए तमाम पूरे देश के अंदर जनता चिंतित है, क्योंकि पूरे देश में सिर्फ तीन प्रांतों को देख लीजिए, बिहार का, इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, और आंध्र प्रदेश में इंडिया गठबंधन वजूदे में नहीं था। वहां जो सरकार थी पिछली बार 25 की 2500 सीटें इनकी के पास थी, जगनमोहन रेड्डी एक को सीट भाजपा करा रही है, अब सिंगल सीट भी कांग्रेस की नहीं, अब 25 लोकसभा की सीटें। अब वहां का जनता चमत्कार कर दे भैया, वहां भी जगनमोहन रेड्डी को मय हो गया था, और उसने वही के पूर्व मुख्यमंत्री जो कई बार वहां का मुख्यमंत्री रह चुका है चंद्रबाबू नायडू को इसी तरह से जैसे भाजपा के लोग कर रहे हैं विरोधियों को फंसाओ बंद करो, उसी तरह उनको फंसा के जेल में डाल दिया, उनकी जमानत तो हो गई। कश्मीर तो एक मुख्यमंत्री के पद पर रहा हुआ है, आप बेगुनाह घसरा के जेल में डाले हो, तो जनता तो खामोशी से उसके समर्थन में हो गई, और आज स्थिति ये है। चालाक ये हैं भाजपा के लोग, बहुत चालाक, इनको नहीं मिली है इसकी रक्षा करने वालों की कतार में खड़ा होने वाला आदमी। और समाज के गरीब वर्ग ने जितना बड़ा योगदान इस चुनाव में किया है उत्तर प्रदेश में, हम इस मौके पर अपने कार्यकर्ताओं को जहां जीत की बधाई और धन्यवाद देते हैं, वहीं हम आभार प्रकट करना चाहते हैं तमाम ऐसे समाज के लोग जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुमराह करके, आपसे दूरी पैदा करके उनका वोट लगातार हासिल करने का काम किया। हमारे चौहान समाज के लोग, उनकी भी नींद टूट गई। इस बार काफी बड़ी संख्या में राजभर समाज, चौहान समाज, हमारे मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे कुशवाहा समाज, सोच भी नहीं सकते थे लोग, निषादो बिंद समाज, समाज के हर गरीब तबके में गोड़, गुहार, हरवार, नाई, हर समाज के लोगों ने बड़े पैमाने पर सबसे बड़ा योगदान अगर किसी ने किया तो वो अनुसूचित जाति, उसमें भी जमार भाइयों ने हमारे साथ इस चुनाव में जो वोट बहादुरी के साथ दिया, जो उहापोह रह गया है थोड़ा सा, कतार दो ही बनेगी अब, एक तरफ इन पापी विचार रखने वालों की और एक तरफ संविधान की रक्षा करने वालों की, संविधान में विश्वास रखने वालों की,
बड़ा निराशा हुई है बहुजन समाज पार्टी के कैडरों में। हम एक दिन के लिए दिल्ली भी गए थे माननीय विधायक जी, बड़ा दर्दनाक मंजर वो था जब पार्लियामेंट में ताला बंद किया गया हम लोग के कार्यालय। कुछ छोटी मोटी फाइलें हमारी भी थी, हम गए निकाले, कार्यालय प्रभारी रो रहा था, 10 जना रहेंगे भैया अपर्ती हो गई, रो रहा था। उसने कहा बहुत बड़ा धोखा हुआ और लोग निराश हैं और उम्मीद की एक किरण है उत्तर प्रदेश में, अब वो है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव। उनका आज जो लोग भ्रम में रह गए, कई बस्ती है जहां आपको 25% वोट मिला, कई बस्तियां हैं जहां 50% मिला, कई ऐसी बस्ती है गरीबों की जहां 75-80% भी मिला, जहां कम मिला, और विधानसभा बहुजन समाज पार्टी का एक ही मिला। चुनाव के दौरान हमारे सामने सवाल लाया जाता था कि आप तो बसपा से जीते थे, बसपा के छोड़ का नहीं बदे, तो पत्रकारों का सवाल होता था, पहले खबर चलाते थे सब कि अगर तू को पार्टी मिलल रहे तब न जीत गई, अगर बसपा अलग हो गए तो आप कैसे जीती, हमसे मिलते थे तो कहते थे कि आप तो बसपा से जीते थे, बसपा छोड़ क्यों नहीं जा रहे, हमका चौके कौन खजोट बैठा, हम नहीं छोड़ा चौके कौन खजोट बैठा, जा बहन जी से कह के हमके निकलवा दा, हम को बेजाय करो छोटी सब बेजाय लिखे करा, तो हम कहें कि तब चल जा अखिलेश जी की हम टिकट वे कटवा दो, क्यों नहीं इसकी वो लिखे दे तो टिकट वो ले एक मतलब का भाई, हम कहीं ये मतलब भाई कि उन्हों के समझ में आवता कि एक निकाले के ना चाहिए, आ हमरो के समझ में आवता इनके छोड़े के ना चाहिए, तो कहलस कि एक मतलब का भाई बहुत चढ़ाक पत्रकार है, हम कहें मतलब ही बा कि लोग सभवा दे लिखे दे भैया, एक बादो लड़ाई बा, अब हो सकेला कि ऐसा आदमी बिछवा में रही हो तो चूर में चूर गणना मिला दी, दो जन अगर गणना मिल गई रही सपा बसपा का तो इस चुनाव में मोदी जी 150 के नीचे चले गए, पहले तक ना बोला जा अपने दम पे कांग्रेस पार्टी को लेके समाजवादियों ने जो जलवा दिखाया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी के नेता को सोचना होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं अगर बहुजन समाज पार्टी के नेता ने नहीं सोचा तो बहुजन सोच लेगा और वो खुद फैसला लेकर के ऐसी कतार में खड़ा हो जाएगा कि इस देश में संविधान सुरक्षित रह सके। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, ये इंडिया गठबंधन जिसमें हमारे सहयोगी दल उनकी भूमिका कितनी अधिक थी कम थी मत देखिए, हो सकता है आपके यहां नहीं थी लेकिन पूरे देश के पैमाने पर प्रदेश के पैमाने पर यह गठबंधन कहीं उनकी संख्या ज्यादा थी हम कम थे, तो गठबंधन के साथियों की कदर होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बड़ा योगदान है इस जीत में, जहां जितने रहे हैं ये वोट जो 1.25 लाख की जीत है, इस वोट में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं का, माले के लोगों का, आम आदमी पार्टी का, जनाधिकार पार्टी का, ये तमाम पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। जितना बड़ा योगदान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का है उससे कम उनका योगदान नहीं।